बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ एक नई अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। एक नई डेवलपमेंट आई है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ईयू सेटलमेंट स्कीम के लिए काफ़ी ज़्यादा अतराफ़ से ये डिमांड की गई कि इसके टाइम को एक्सटेंड किया जाए, यानी कि 30 जून 2021 की निस्बत आगे इसको एक्सटेंड किया जाए। लेकिन हुकूमत ने किसी तौर भी कोई भी आंसर नहीं दिया। लेकिन अब कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि एक्सटेंशन होगी। इसके साथ साथ जो रेड लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उस पर भी मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूं। उस पर भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कोई ना कोई बेहतर फैसला आएगा, क्योंकि अदालत में केस इनपुट हो चुका है। वो ममालिक जिनको बगैर किसी वजह से अभी तक रेड लिस्ट में डाला हुआ, जिसमें हमारी कंट्री भी शामिल है, अन करीब उनको निकालने के अहकाम जारी होंगे। जहाँ तक डेट आगे एक्सटेंड होने का ताल्लुक है, उसमें ज़्यादा पुर उम्मीदी क्यों पैदा हुई है, उसकी वजह यह है कि लंदन के जो मेयर है सादक खान, उन्होंने भी डिमांड की है कि बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जो कि लाइलम है ब्रेक्सिट से, ब्रेक्सिट के तमाम तरीक़ाकार से। इस वजह से उन तक वो अदारों का अभी तक पहुंचना ज़रूरी है जो कि ईयू सेटलमेंट स्कीम से रिलेटेड तमाम केसेस को इनपुट करने में लोगों की मदद कर रहे हैं, यानी कि यूरोपियन बाशिंदों की मदद कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करना है। अब यहाँ पे दो तीन जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक वो नहीं पहुँचे। सबसे बड़ी जगह है ओल्ड एज होम, जो कि बूढ़े लोग हैं यूरोपियन जो जिंदगियां गुजार चुके हैं यूके में। अब ब्रेक्सिट के बाद उनका इलीगल होने का ख़तरा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं किया, जो बहुत अच्छी खासी बड़ी तादाद में यूके में मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे जो बड़ी कम्युनिटी है वो है बच्चों की। वो बच्चे यूरोपियन जो वालदैन के बगैर यूरोप में से वहाँ पर गए हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि उनकी बहुत अच्छी खासी बड़ी तादाद है जिन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। इसी चीज़ को आगे रखते हुए 40 ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी डिमांड की हुई है यूके की हुकूमत के साथ। अब मेयर भी शामिल हो चुके हैं और कुछ एमपीज़ ने भी नई जो है वो डिमांड की है कि लाजमी तौर पे ईयू सेटलमेंट स्कीम का जो टाइम है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए, सबसे बड़ी रुकावट लग रहा है यूरोपीय यूनियन, क्योंकि दोनों की डेट सेम है। यूरोपीय यूनियन की डेट भी 30 जून 2021 है, यूके की डेट भी 30 जून 2021 है। जो यूरोपियन यूके में है उनके लिए वो है, जो यूके के लोग यूरोप में हैं उनके लिए भी वही डेट है कि वो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में अपनी रेजिडेंसी कार्ड अप्लाई करें 30 जून 2021 तक। अब लग ये रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि एक अगर एक्सटेंड करता है तो दूसरा एक्सटेंड करे। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि आन करीब जो है ये मसला हल हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर, जो कि लास्ट वीक है ऑलमोस्ट, तो इस वीक के अंदर अंदर जो है डेट को एक्सटेंड होने का लाजमी तौर पर उम्मीद है। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रेड लिस्ट होने की वजह से, सफरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं फ्लाई कर सके, तो उनके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो दोस्तों ये थी अपडेट, ये थी एक उम्मीद की किरण में जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।